बिहार समेत कई राज्यों में आई बाढ़ की वजह से अंबाला मंडल की कई ट्रेनें प्रभावित हो गई हैं। रेलवे ने इस रूट की लगभग 10 ट्रेनों को रद्द कर दिया है। ट्रैक व रास्ता साफ होने के बाद ही यह ट्रेनों को दोबारा चलाया जाएगा। फिलहाल रेलवे ने रद्द हुई ट्रेनों की सूची जारी कर दी है। इस मौके पर न्यूज 89 की टीम से बातचीत करते हुए अंबाला मंडल के DRM श्री दिनेश कुमार ने रद्द हुई ट्रेनों की जानकारी देते हुए बताया कि तो काफी सारी ट्रेनें कैंसिल हुई थी, कुछ डाइवर्ट हुई थी, कुछ शॉर्ट टर्मिनेट हुई थी, लेकिन जो आज की स्थिति है अभी भी 8 तो सिंगल ट्रेन है और 2 पेयर मतलब आने वाली और जाने वाली दोनों कैंसिल हैं। पहली है 12407, ये 13 तारीख को रद्द रहेगी। दूसरी है 15909 और 10, ये 8 से लेके 15 तक कैंसिल रहेगी। 15655 कामाख्या से कटरा 10/9 को कैंसिल रहेगी। 15651 गुवाहाटी से जम्मू तावी लोहित एक्सप्रेस 11/9 को कैंसिल रहेगी। 15563 गुवाहाटी से जम्मू तावी अमरनाथ एक्सप्रेस 13/9 को कैंसिल रहेगी। 15903 डिब्रूगढ़ चंडीगढ़, ये 8, 11 और 15 को कैंसिल रहेगी। 15909 और इसका जो पेयर है 10 डिब्रूगढ़ लालगढ़ अवध आसाम एक्सप्रेस 8 से लेके 15 तक कैंसिल रहेगी। 15933 डिब्रूगढ़ अमृतसर एक्सप्रेस 12/9 को कैंसिल रहेगी। तो ये कह सकते हैं आप 10 ट्रेन अभी भी शुरू नहीं हो पाई हैं जो कैंसिल हुई। इसके अलावा भी हमारी कुछ ट्रेनें, 2 ट्रेन अभी भी कैंसिल चल रही हैं। इसके अलावा वो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पे हैं, भटिंडा से लेके हिसार जो सिरसा की लाइन जाती है उसमें अभी भी सिक्योरिटी क्लियरेंस हरियाणा स्टेट से रेलवे को नहीं मिला है। वो सेक्शन हमारे NWR में पड़ता है, लेकिन ये गाड़ी क्योंकि भटिंडा पॉइंट पर हमें मिलती है तो हमारे क्षेत्र में भी उसका प्रभाव पड़ रहा है। तो 2 ट्रेन वो मेल एक्सप्रेस और 3 पैसेंजर ट्रेन उस रूट वाली भी अभी भी कैंसिल चल रही है। अंबाला से राजीव कोचर, न्यूज 89।